श्री गोविंद भगवान की सच्चिदानंद की। मेरे भैया आज हुआ ऐसा कि आज उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ, भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ। उसके बाद अक्रूर जी से कहा वसुदेव जी ने, अक्रूर जी कोई अच्छा सा गुरुकुल हो जहां हम अपने बालकों को शिक्षा के लिए भेजें। तो अक्रूर जी कहने लगे, महाराज अभी वर्तमान में एक ही गुरुकुल है उज्जैन में, और वहां के बहुत अच्छे कुलाधिपति हैं महर्षि संदीपनी, तो हो सकता है आप वहां भेजें कृष्ण बलराम। तो वसुदेव जी कहने लगे, दूरी नहीं है? तो कहा, दूरी तो है लेकिन शिक्षा भी तो अच्छी ही होगी। समझ लो, अगर मानो तो भगवान का एक संकेत ही समझो। मेरे भैया, कुछ बनने के लिए हमें घर का परित्याग करना पड़ता है, हमें अपने घर से अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर जाना पड़ता है, तब हम एक जीवन में सफल बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ पटेश्वर से उज्जैन गए पढ़ने के लिए, और वहां भगवान गए शिक्षा गुरुग्रह पढ़ने, गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान विद्या को ले लेते हैं, और वहां एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण सखा मिले। सखा देखो, सखा मिले मेरे भैया। सखा का शाब्दिक अर्थ होता है जो बहुत खास हो, है? सखा। सब सखा नहीं होते, लेकिन मेरे भैया सुदामा जी जो हैं वो भगवान के सखा हैं। और सखा का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? हाँ, सखा है और खा आगे ले जाओ, सा पीछे कर दो, हो जाएगा खास। जो भगवान का खास है वो है सुदामा। सुदामा जी तो भैया ऐसे सुदामा हैं कि उनके बारे में कहना तो स्वयं व्यास जी की भी कलम रोती है, कि उनका चरित्र के चित्रण पर प्रकाश डाला जाता। मेरे भैया आइए हम पावन चर्चा सुनेंगे। तो आज भगवान कृष्ण बलराम और उनके बाल सखा सुदामा पढ़ने लगे कहां? गुरु जी के आश्रम। गुरु जी के आश्रम में पढ़ने लगे, बहुत जल्दी शिक्षा दीक्षा को ले लिया। और जब ये तीनों बालक अपने अपने घर जाने लगे तो गुरु जी से कहा, है गुरुवर, हे गुरुदेव, आप अपनी ही दक्षिणा मांग लो। देखो ब्राह्मण संतोषी हुआ करते हैं। ब्राह्मण कभी ये नहीं कहते, भैया हम ये भी कहते उतना लो जितना तुम झेल सको, उतना ना लो कि तुम्हारो पेट फट जावे। भगवान कहते हैं, गोविंद कहता है, उतना लीजिए, उतना मांगिए जितने की आवश्यकता हो। ज्यादा फर्जी मांगने से रखने से हमको ही घाटा है मेरे भैया। तो श्री संदीपनी जी कहते हैं, हे लल्ला, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, अपनी माता जी से पूछ लो, क्योंकि इन्होंने तुमको बना बना करके खिलाया। आज संदीपनी की देवी जी से पूछा है भगवान ने, मैया दक्षिणा लो। तो संदीपनी की देवी जी ने कहा, देखो कृष्ण, अभी तक तो हमारा एक पहले बहुत पहले एक बालक था जो समुद्र के तट पर डूब गया था, और जब से तुम लोग आ गए तो हमको उन लोगों के आगे उसकी याद नहीं आई तुम लोगों के सामने। लेकिन हे कन्हैया, अब तुम जा रहे हो तो अब हमको अपने बालक की याद आएगी, अगर तुम देना चाहते हो। क्योंकि संदीपनी की देवी जी विदुषी थी, विद्वान थी, योग था, तपो बल था, वो जान गई है कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये स्वयं अवतारी हैं। और कहा, हे कृष्ण, अगर आप दक्षिणा में दे सकते हो तो हमारा बालक हमें वापस दे दो। भगवान कहले, ठीक है। आज भगवान बड़े भैया बलराम को लिया और पहुंचे समुद्र के पास। समुद्र को आवाज लगाई, हे सागर। समुद्र भैया हाथ जोड़ के सामने आया और कहा, तुम्हारे अंदर एक बालक डूब गया था, वो हमको चाहिए। तो सागर जी बोले, महाराज, हे भगवान, आप दोनों तो नारायण के अवतार हैं, आप दोनों नारायण स्वरूप हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मेरे पास कोई बालक होता तो मैं जरूर आपको वापस करता। हाँ, एक
33 समंदर हमारे अंदर छिपा बैठा है, तो पंच जन, हाँ पंच जन नामक दैत्य बैठा है, शायद उसने उस बालक को लिया। भगवान समंदर में बैठे और पंच जन एक शंख में छिपा बैठा था, शंख आकार। भगवान ने उसका उद्धार किया और कहा बालक कहाँ? उसने कहा महाराज हमारे पास कोई बालक नहीं, क्योंकि हमने लाते ही उसको मौत के घाट उतार दिया। अब मरे हुए व्यक्ति मिलेंगे यमपुरी में, आप यमराज के पास जाएं। भगवान ने पंच जन का उद्धार किया और उसी दिन से पंच जन को हाथ में लिया और पहुंच गए कहा यमलोक। यमलोक में उसी पंच जन को भगवान ने बजाया कि यमदेव सामने आए खड़े भए यमराज महाराज की जय हो। कहिए किस लिए आपने पुकारा? भगवान कहने लगे हमारी गुरु माता का बालक है और तुम्हारे पास उसको वापस चाहिए। तो यमराज बोले महाराज हमारे यहाँ तो जो कर, और देखो अब एक यहाँ पर भगवान बाहर ही खड़े, भगवान बाहर खड़े यमपुरी के गेट ही पर खड़े, अंदर नहीं गए। यमराज बोले महाराज अगर यहाँ पर देखते हैं डायरी आयरी खोल के अगर आए होंगे तो नाम जरूर उनका लिखा होगा। देखा तो भैया मृत्यु को प्राप्त हुआ वो बालक और वो बालक जीवित करके यमराज ने दिया। अब आप लोग ये सोचे या कवि कहता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान पहुंचे उनके गेट पर यमराज के, तो यमराज ने भगवान को बैठने को क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि भगवान तो भगवान है और यमपुरी में तो वही लोग बंद हैं जिन्होंने पापा कर्म किए पापाचार किए। और यमराज सोचने लगे अगर भगवान हम अपने घर में बुला लेंगे तो सब दर्शन कर लेंगे भगवान का, तो हमारो धंधा ही बंद हो जाएगी, हमारो धंधा ही बंद हो जाएगी जो न्याय को दंड दे रहे चक्कर। तो इसीलिए भगवान को बिठने को बुलाने को नहीं कहा, वहीं से विदा किया। वो संदीपनी जी का बालक ला करके भगवान ने अपनी माता को दिया, अगर मैया आज के बाद इस भैया के साथ रहो। आज इधर भगवान चले आए और हाँ यहीं पर श्राप लगा। देखो वैसे कुछ लोग कहते हैं कि चल गुरु से कपट मित्र से चोरी, भागवत में ऐसा लेख नहीं आया, श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो जो चने दिए थे माता ने वो चने श्रापित थे। और ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान, ब्राह्मण के अंदर अगर अच्छा सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण है तो मेरे भैया उसको सामने वाले की मन की जिज्ञासा पता चल जाती तुम्हारे मन में क्या है। सुदामा जी ने जैसे भी चावलों को चनों को देखा था तो उनको पता चल गया था श्रापित चने हैं, इनको जो चबाएगा जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और देखिए सुदामा जी का समर्पण और देखिए मित्रता जीवन में। उन्होंने कहा कन्हैया स्वयं भगवान का अवतारी है, अगर इसने चने खा लिए तो ये दरिद्र हो जाएगा, सृष्टि संकट में आ जाएगी, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं इन चनों को चबा लेता हूँ मैं दरिद्र हो जाऊंगा निर्धन हो जाऊंगा कोई बात नहीं भगवान बच जाएगा। देखिए मित्रता, भगवान ने इस संसार में मित्रता की अगर मिसाल पेश की है तो भगवान कृष्ण और वो सुदामा जी। और देखिए एक रोडपति और एक करोड़पति दोनों आपस में मिलते हैं और देखिए मित्रता का समावेश। आजकल चंद पैसे हो जाते हमारे पास हम अपने मित्रों को गरीब मित्रों को भूल जाते हैं। मेरे दादा हम पहले भी पहले दिन से आज तक कहते आ रहे कि दो और चार, भागवत में दो बहुत बड़ा पात्र है, दो ऐसे कई हम दो गिना चुके हैं अभी और दो गिनाने वाले और चार हम बताने वाले कि चार में कभी शर्म मत करना और चार से कभी भैया झगड़ा मत करना। कौन? एक तो बूढ़े माँ बाप से कभी ना शर्म करना ना झगड़ा करना, दूसरे अपने फटे पुराने कपड़ों में सादे रहन सहन में और गरीब मित्रों में मेरे प्यारे कभी आप शर्म मत करना, चार से झगड़ा मत करना, बूढ़े माँ बाप से अपने गुरु से और मूर्ख से और पागल से। पागल से झगड़ा करे वो ईंटे मार दी चलाई, मूर्ख से अगर बात करोगे तो मूर्खता ही करेगा वो तुम्हारी बात ही नहीं माने। माँ बाप से अगर भैया झगड़ा करोगे तो हो सके तो खेती दूसरे के नाम जाओ। हाँ तो इसलिए हम सब इन बातों को विशेष ध्यान रखें। मेरे भैया सुदामा जी उन चनों को चाप लेते हैं, श्राप देने का लेने का भागवत में लेख नहीं आया तो बनाया। मेरे भैया
बोलो गोविंद भगवान की। आज हुआ ऐसा, इधर श्राप समझो वो श्रापित चने चबाए और कुछ दिनों के बाद सुदामा इधर दरिद्र हो जाते हैं। दरिद्र होने से पहले सुदामा का विवाह हो गया एक बहुत सुंदर सी ब्राह्मणी के साथ, जिनका नाम है सुशीला। अब सुशीला और सुदामा को इधर रहने दो, तब तक हम चलते हैं कहाँ, विदर्भ देश, क्योंकि भगवान कन्हैया का विवाह कराना है। अब तो शिक्षा पाई इन लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में लास्ट में सुदामा चरित्र क्यों जोड़ा गया। अरे पगलू, लास्ट में जो जहां पर सुनही वैसे तो जुड़े सुनही, सुदामा चरित्र चालू हो जाता है भगवान जैसे मथुरा पहुंचे। मथुरा में अपने नाना का राज्याभिषेक किया और उसके बाद जैसे गुरुकुल पहुंचे, बुढ़ापा थोड़ी ना पड़ने गए थे, यज्ञ पवित्र हुआ भगवान का। और यज्ञ पवित्र होने के बाद तुरंत वसुदेव जी ने गुरुकुल भेजा, संदीपनी आश्रम उज्जैन। जो भक्त गए होंगे देखा होगा, बहुत सुंदर सा आश्रम है। और बाबा महाकाल से जब मंगलनाथ जाएंगे तो रास्ते में स्थित है, बहुत सुंदर है। और हमारा एक दो बार आगमन हुआ और वहाँ जिन बच्चों की बुद्धि मंद रहती है, सुनो एक देखो याद आ गई बात, जो नायक गुम थान राज अपने सिर्फ खरीदे थे मतलब रख, जिन बच्चों की बुद्धि मंद रहती है उनको एक बार संदीपनी आश्रम उज्जैन ले जाना चाहिए। और वहां जहां भगवान कन्हैया बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां की परिक्रमा उस चबूतरे की करवाना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि उन बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, हमारी बुद्धि मंद ही रहे। तो मैं दुई बार परिक्रमा करवाओ वहां ले जाओ, सही बताया था। एक बार महाराज जी लेके गए और एक बार हम अपने यहाँ पहुंच गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, ये गारंटेड है बात, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं संदीपनी आश्रम की ही परिक्रमा कर ले, खुल जाएगी ज्ञान ग्रंथी। क्योंकि आज भी भगवान कन्हैया आते हैं, क्योंकि जाऊं भगवान कन्हैया स्कूल हो, जिस स्कूल में भगवान पढ़े हो और उस स्कूल की महत्व। आज भी संदीपनी कृत शास्त्र रखे हैं, पुराण रखी है, आज भी वो सब रखा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भोजपत्र पर लिखी हुई, भविष्य में हमने इतनी पुनारी रामायण इतना पुराना शास्त्र नहीं देखा जैसा हमने संदीपनी आश्रम उज्जैन में देखा। या तो आप आ जाइए कानपुर महानगर के आगे बिठूर, बिठूर के आगे माना बंगला परियर, सुना होगा परियर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ता है, वहां पर भी आज भी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण रखी है, दर्शन करिए। बोलो गोविंद भगवान की। अभी ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज आपके वृंदावन वाले और हमारे जैसे पगला आचार्य सब वहाँ पर, बहुत भारी कमेटी हुई थी तो वहाँ यज्ञ हुआ था, वो राजसी यज्ञ, तो उसमें दिल्ली से भी कुछ टीम आई थी। तो वहाँ पर तुम्हारे ठाकुर जी का आगमन हुआ था, तब हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ रमाकांत त्रिपाठी जी एक आचार्य जी हैं, उन्होंने दिखाया, क्योंकि आदेश नहीं मांगा किसी का जाने का, इन आज भी हैं, उसका स्पर्श मात्र ही हमें ज्ञान के चक्षु खुलाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये प्रैक्टिकल किया है स्वयं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज इधर सुशीला के साथ भगवान का विवाह हो गया। सुशीला, सु माने सुंदर, सी से सील, ला से लक्षण, इसके सुंदर सील लक्षण वह सुशीला है। वो अब सुशीला को देखो, पूठन केरी बाजार में बढ़िया चाट खाई, तब पहुंचे हैं वहां पे दुआ महावीर। हम देखो हमारे गांव में दू चाचे सुशीला, नाम फूलचंद, मां का धनियो बनना है। हां मेरे भैया, तो यथा नाम तथा गुण, भागवत में नाम के भी बारे में बताया गया। अजामिल उपाख्यान, अजामिल में यही समझाया गया कि अपने घर में बच्चों का नाम रखें तो भगवान से मिलता जुलता रखें, ताकि हम भगवान को अगर भूल जाएं तो अपने लड़कने की तो याद रखें। मर्तवेरिया दुनिया की याद नहीं करी हो, अपने लड़कने की जरूर याद करी हो। फलाने दौरियाओ, डकाने दौरियाओ, उनके पापा ये ना, उनके पापा, उनकी मम्मी। अरे जिनकी शादी ना है भाई, तो अपनी व्यवस्था करें, हम कट्ठे कर लें। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए बच्चों का नाम सदस्य, घर में एक सदस्य का नाम ऐसा हो जो परमात्मा के नाम से मैचिंग मैचिंग करता हो, यही भागवत सिखाती है। तो परीक्षित जी, आप घर में आपकी नौबत है वो, हाँ, तो एक बच्चे का नाम या तो केशव या माधव या मोहन या मुरारी या नारायण या कुछ भी, राम कृष्णा कुछ भी रखना। और हम भैया सीलू भैया बहुत खुश है, ये राम बैठे हैं सामने, अब तुम हूँ आई गए बहनू है,
जय हो तुम्हारी, बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो बच्चों का नाम भगवान से मिलता हो, इससे भगवान की हमें स्मृति बनी रहती है और प्रभु भी हमसे प्रसन्न होता है। बोले गोविंद भगवान की। इधर सुदामा जी का विवाह हो गया, कुछ दिन तक सुदामा जी सुशीला के साथ रहे, श्राप बस चनों बस ये दरिद्र हो गए, अति घनघोर गरीबी में तब्दील हो गए। और इधर भगवान पर जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद कंस का वध कन्हैया ने कर दिया, 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने मथुरा के ऊपर, लेकिन भगवान के हाथों उसे हारना पड़ा। अंत तो गत्वाब देखो भगवान यहाँ पर फिर दो आ गए शब्द फौजी दादा, दो ऐसी जगह मिली भागवत में कि दो ही जगह से स्थान त्याग आ गया। भागवत में संकेत करती है जिस जगह पर विपत्ति आ जाए मेरे दादा, जहाँ समझ जाओ कि हम रह रहे हैं और हमारे रहने से आफत है, यहाँ लड़ाई झगड़ा विवाद बढ़ रहा है, तो हमें उस स्थान को त्याग देना चाहिए। गोकुल में बहुत अत्याचार होने लगा था, भगवान के ऊपर सब अत्याचार हो रहा था, तो नंद ने गोकुल को त्याग करके वृंदा बना गए थे। और ठीक उसी प्रकार भगवान भी देखा कि मथुरा पर हमले हो रहे हैं, तो भगवान ने भैया बलराम से कहा, भैया ऐसा करो हम मथुरा छोड़ करके भग चले। तो दाऊ ने कहा अभी तक हम हारे नहीं, अगर भगेंगे तो भगोड़े घोषित कर दिए जाएंगे। भगवान कहने लगे एक नाम और जुड़ जाएगा, लोग माखन चोर तो कहते हैं, रण छोर और क्योंकि यहाँ पर अत्याचार। क्यों भग गए भगवान? सुनो एक बात, बहुत बड़ी रीजन है। और ये कहा कि भगवान वृंदावन रहे, इतने साल रहे, क्योंकि भगवान वृंदावन में रहे तो भगवान को वृंदावन वासियों की याद क्यों नहीं आई? परसों का वादा करके आए थे, झूठ क्यों बोला भगवान? सुनना मेरी बात, मेरे भैया जरासंध चढ़ाई करता मथुरा पर, लेकिन जरासंध को ये पता नहीं है कि इनका लिंक वृंदावन से भी। तो भगवान ने जरासंध को ये ज्ञात होने नहीं दिया कि हमारा कोई रिलेशन वृंदावन से है, क्योंकि अगर जरासंध को पता चल जाए कि वृंदावन वाले ही इनके पालन पोषण में हाथ बटाए, तो जरासंध पहले वृंदावन को खत्म करेगा। इसलिए भगवान ने वृंदावन से कोई ताल्लुकात ही नहीं रखा, ताकि वृंदावन वासी सेफ रहे। और मथुरा के लोगों को भगवान ने एक टापू, समंदर में टापू में एक नगरी विश्वकर्मा के द्वारा बनवाई द्वारिका, वह सबको भेज दिया। और इधर जरासंध युद्ध करने आया 18वीं बार भगवान लड़ते लड़ते भाग खड़े हुए, और जरासंध कहता है भगोड़े कन्हैया क्यों रण छोड़ करके भाग रहा? भगवान कहते हैं जब वक्त आएगा तो हम तेरे रण में तेरा सामना करेंगे, अभी तू यहीं पर भड़बड़ा। मेरे भैया भगवान और बलराम चले गए कहां? विश्वभर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और उस पर्वत पर जब चढ़ गए तो जरासंध ने संपूर्ण पर्वत के चारों ओर से आग लगवा दी। और जब आग लगवा दी, भगवान जरासंध को पता लगा कि भगवान चले गए, लेकिन भगवान नहीं चले, भगवान द्वारिका गए और बहुत सुंदर आसन पर बैठ करके महाराज उग्रसेन जैसे राजा और बलराम जैसे मंत्री, अक्रूर जैसे सेनापति और वसुदेव जैसे सलाहकार द्वारिका नगरी के हैं मेरे भैया। बड़े भाव से भगवान राज्य करने लगे। तब तक उधर सुखदेव जी महाराज कहते हे राजा परीक्षित, और परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, महाराज एक बात पूछे। सुखदेव जी महाराज कहते हे राजन पूछो। हे महर्षि हमें ये बताओ कि हमने सुना है कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह राक्षस वृत्ति से हुआ। इस पर हंसकर के सुखदेव जी महाराज बोले जी पर अच्छे कुछ हालात ही ऐसे थे कि भगवान का पहला विवाह जो हुआ वो गंधर्व रीति यानी कि राक्षस रीति से हुआ। तो हाथ जोड़ करके परीक्षित जी कहने लगे महाराज इस प्रसंग को आप विस्तार से कहिए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित, हाँ अब हम तुमको बहुत विस्तार से कथा सुनाते हैं। एक बहुत सुंदर सी नगरी है जिसका नाम है विदर्भ देश, और उस देश के महाराज भीष्मक हैं जिनके 5 पुत्र 1 पुत्री है।
पुत्री का नाम रुक्मिणी और पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये पांच पुत्र हैं। महारानी भी बहुत सुंदर है, महाराज भीष्मक की, और बड़े सदाचारी नेकमान राजा हैं। ये भी हमारे दादाजी के द्वारा सादर अंग वस्त्र पेंट किया गया है और कुछ श्रद्धा का दान आया है। भगवान कल्याण करें, पथरी बाबा की कृपा प्राप्त हो। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। मेरे भैया आज विदर्भ देश के महाराज भीष्मक, उनकी पांच पुत्र, एक पुत्री रुक्मणी का, रुक्मणी नाम है पुत्री का, और रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मबाहु, रुक्मरथ, जैसे ये पांच पुत्र हैं। तो एक दिन की बात, महाराज भीष्मक ने देखा कि मेरी कन्या शानी हो गई है, बड़ी हो गई है। और जब किसी के घर में, भैया हमारी बहन हुआ करती हैं, शादी के योग्य होती हैं, तो माँ और बाप का फर्ज होता है कि उसके लिए एक सुंदर सा सुयोग्य वर देखे और उसका विवाह कर दिया जाए। मेरे भैया तो ये इस बात का प्रस्ताव महाराज भीष्मक दरबार में रखते हैं और अपने बड़े बेटे से राय लेते, क्योंकि पहले राजा लोग बड़े बेटे को ही सबको समझते थे। तो रुक्म से सलाह ली कि हे पुत्र, हमने एक लड़का देखा है गुजरात में, द्वारिका, द्वारिका में कन्हैया, महाराज उग्रसेन के नाती हैं और बड़ी चर्चाएं हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह उसके साथ करें। रुक्म कहने लगा, पिताजी बिल्कुल नहीं होगा। अरे उस रण छोड़ भगोड़े के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। अरे जो जरासंध के सामने मैदान छोड़ के भाग गया, अरे ऐसे कायर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं। पिताजी आप चिंता ना करो, अपनी बहन के विवाह का ठेका हमारे पास, मैं खुद अपनी बहन के लिए सुंदर सा सुवेग्य सुयोग्य वर ढूंढ के लाऊंगा। अब तो चुप हो गए महाराज भीष्मक, क्योंकि पहले की रीतियों में, रिवाजों में, मेरे दादा घर में बड़े बेटे को बहुत पावर दिया जाता था और पिता न रहने के बाद पूरा राज्यपाट, पूरा कार्यभार बड़े बेटे के पास ही आ जाता था। आज रुकम भैया जैसे इतना कहा और तुरंत बरात तय कर दी शिशुपाल के साथ, और शिशुपाल जरा सिंह रुकम ये सब एक कई बटिया के चट्टे बट्टे। हाँ, और इधर पता चला को कि और इतनी जल्दी ही नहीं भैया, बहुत जल्दी आया दरबार में, कहा पिताजी चिंता ना करो, परसों बारात आ रही है। तो भीष्मक कहे, परसों इतनी जल्दी बारात आ रही? कल हाँ, कल हमने शिशुपाल के साथ शादी ते सिंधु नरेश दमघोष पुत्र श्री शिशुपाल के साथ हमने शादी को पक्का किया है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गोविंद भगवान।